अपने गुलाम से इस तनाजुर में सुने। आपने सुना होगा मदीने मुनव्वरा की सरजमीन है, रात का आखिरी हिस्सा है, रात का आखिरी पहर है। उस रात के आखिरी पहर में एक बूढ़ी की कपकपी आवाज निकलती है, बेटी जल्दी से दूध में पानी मिला दो। तो जवान आवाज क्या आती है, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन ने मना किया कि दूध में पानी मिला करके नहीं बेचा जाए, क्योंकि ये जुर्म है, ये धोखा है, ये फरेब है। इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। तो बुढ़ापे की कपकपी वाली आवाज आई, बेटी अमीरुल मोमिनीन तो सो रहा होगा, उसको क्या खबर कि हम दूध में पानी मिला रहे हैं। मगर जवान बेटी का जवाब था, अम्मी अमीर तो सो रहा है मगर अल्लाह तो हमें देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है अमीर के खौफ से दूध में पानी नहीं मिलाते, और अल्लाह देख रहा है हम दूध में पानी मिला दे, ये कैसे हो सकता है। देखो उस लड़की, अभी उसको रिश्ता नहीं आया था मगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी। खुदा का करना अमीरुल मोमिनीन, गैसुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, चार नशीने रसूल, रात की तारीकी में मदीने की गलियों में घूम रहे थे ताकि रियाया का हाल देखे। जैसे कानों में आवाज टकराई, खुश हो गए कि मेरी रियाया में ऐसी बच्चियां भी मौजूद है जो रात की तारीकी में भी अल्लाह से डरती है। घर पे निशान लगाया, किनको मालूमात दी कि बच्ची शादी शुदा है कि कुंवारी है। पता चला कुंवारी है, अपने बेटों को जमा किया। जमा करने के बाद कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शादी नहीं कर सकता, बताओ तुम में कौन उस लड़के से शादी करेगा। एक बेटे ने कहा, मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कल तक जिसके घर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, ये खौफ है खुदा से, गुनाह से बचने की बरकत है कि अल्लाह अकबर सैकड़ों मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले फारूक आजम के घर का रिश्ता बगैर किसी सोच के उनके घर पहुंच गया। और अल्लाह अकबर, सिर्फ खौफ में खुदा की बरकत से वो लड़की तीन बड़े आजमों के हाकिम उमर इब्ने खत्ताब की बहू बन गई। सुभान अल्लाह, वजह सुभान अल्लाह, अल्लाह की खशियत। और सिर्फ फारूक आजम की बहू नहीं बनी बल्कि अल्लाह ने उस बेटी से बेटी पैदा फरमाया, और उस बेटी से जो बेटा पैदा हुआ वो पहली सदी का मुजद्दिद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज है। बेशक
बहुत